हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फाइनली अब मैं ठीक हो चुकी हूँ और मेरी आवाज़ भी वापस आ गई है। बहुत खुशी मिल रही है मुझे मेरी आवाज़ सुन के। और मेडिसिन मेरी चल रही है, अभी एक दो दिन की और है, बस फिर ठीक हो जाएगी। ठंड लग रही है, जय बना। तो आज मेरा ब्लॉग रिकॉर्ड कर रही है मेरी प्यारी सी बच्ची राबी। तो और क्या कहते हैं, क्या बोल रही थी? हाँ, आज है मेरे तक्षु का बर्थडे। तो बस आज तो खास कुछ पता नहीं कि अभी कुछ प्लान करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, आप लोग मेरे बच्चे को जरूर विशेष दीजिएगा। आज मेरा बच्चा फाइनली 3 साल का कंप्लीट हो चुका है और नीचे है अभी वो। मैं ऊपर आई थी कपड़े डालने के लिए, तो सोचा क्योंकि आज मौसम भी अच्छा हो रहा है, लग रहा है आज शायद थोड़ी थोड़ी धूप निकल आएगी, क्योंकि हवाएं तो चलेंगी ठंडी ठंडी, लेकिन धूप के आसार भी लग रहे हैं। और देखते हैं। और हाँ, एक और थोड़ी सी घटना घट गई है कि आज हमारे घर पर गैस नहीं आ रही है, जो पाइपलाइन है वो नहीं आ रही है। तो हम लोगों ने आज केटल में, इलेक्ट्रॉनिक केटल में चाय बना के तो पी ली है। आगे का लंच का हमें अभी कुछ पता नहीं है कि कैसे करेंगे, क्या बनाएंगे, या ऑर्डर करके मंगाना पड़ेगा, तो वो भी देखेंगे। तो आज तो हमारी छुट्टी हो चुकी है फाइनली खाना बनाने से, हाँ, तो वो भी देखेंगे। तो अभी तो मैं थोड़ी देर छत पे तो अभी तो हम लोग छत पे ही बैठे हैं। अभी मैं थोड़ी देर छत पे बैठूंगी, उसके बाद में मैं देखूंगी कि नीचे जाके क्या करना है, क्योंकि अभी कपड़े वॉश तो कर दिए मैंने, लेकिन तक्ष को मैं सोच रही हूँ नहला दूँ। हालांकि उनकी चोट है, देखती हूँ कैसे कर पाती हूँ। सर वगैरह नहीं धुलूंगी उनका, फेस वगैरह धुल दूंगी और नहला देती हूँ, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। वो बेचारे जब से चोट लगी है ना, नहाए नहीं थे। और मैं भी देखती हूँ, फ्री होती हूँ, सफाई वगैरह तो हो ही चुकी है। और फिर मम्मी से भी मिलवाते हैं, आज मम्मी के भी बालों को डाई करना है, क्योंकि उनके बाल बहुत ही ज़्यादा वाइट हो रखे हैं। चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे। तो मैंने अपने बर्थडे बॉय को कर दिया है नहलाकर रेडी, तक्षु। और यही अभी फ़िलहाल लोअर में है, क्योंकि अभी नहा के आए हैं ना, सर इनका गीला है, तो मैंने इन्हें बिठा लिया है। और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, क्योंकि मुझे अभी बाल भी धुलने हैं। पहले पानी गर्म किया था तो इब्राहिम ने नहा ली नहीं, मैं खाना बना रही थी तो बोली दीदी मैं नहा लेती हूँ। मैंने कहा चलिए ठीक है नहा लो। तो अब मैं जा रही हूँ, खाना वगैरह बनाए आई हूँ, तो वो लोग खा रहे हैं, मैं जब तक नहा लेती हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि मुझे सिर भी धुलना है, फिर लेट हो जाएगा इसलिए। सो गाइज, मैं भी हो गई हूँ तैयार, रेडी हो गई हूँ, नहा कर आ गई हूँ। अब बस थोड़ी देर बाद जाऊँगी मैं नीचे, क्योंकि शायद पापा जी आ जाएंगे तब भी जाऊँगी, क्योंकि वो भी आ रहे हैं, क्योंकि आज उनके उनकी पोती का बर्थडे है, उनकी पोती की। इन्हें ना बस पूरे दिन, हाँ मम्मी करो जला, ये पापा माचिस, ये वो बुझाता रहेगा, रहने दो अभी। हाँ लगा दो, अंगूठी से लगा दो मम्मी, कोई बात नहीं। मम्मी पूरे अभी मत जलाना, अभी मत धूपना। चलो करो, टीका कर दो, जाओ चाची, जाओ चाची जल्दी से। हाँ हाँ मम्मी, खींच लिया मम्मी, ऐसा कर थोड़ा ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ मम्मी, हो गया हो गया। दीदी को तो ले लो गोदी। कटने तो दे, कटवा पापा, कटवाइए, कटवा, हाथ रखो हाथ से, अपने हाथ से कैसे काट रहे हैं मम्मी
अरे मम्मी केक काटने तो दो, उसको क्रीम क्रीम खिला रही हो। ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, तक्षु पकड़ो। अरे वो विशाखा काटने लगी आगे। अपने हाथ पे ही हाथ लगा लो, ऐसे ऐसे हाथ लगा लो पापा, बस बस बस। दादी को तो खिलाओ, दादी को खिलाओ, ऐसे हाथ से ही ले लो पापा, वो नहीं देगा कुछ भी। हैप्पी बर्थडे टू यू। चटनी दिखाओ इसे, देखो ये ना भूखी, हम पत्थर पे बना रहे हैं। हालांकि हम इसमें बनाने वाले थे, लेकिन हमने फिर सोचा चलो सिल पे बनाते हैं। मम्मी ने ये सब मुझे काट पीट के दे दिए, टमाटर भी इसमें काट के दे दिए उन्होंने, कहा था कि अच्छे से पिस जाएगी। और मम्मी बनाएंगे गर्मा गर्म पराठे। मम्मी पराठे बनाएंगे ना अभी गर्मा गर्म, फिर हम खाएंगे चटनी और पराठे। हाँ मजे करेंगे फिर, और आपको भी दिखाती हूँ जब मम्मी पराठे वगैरह बनाएंगे। तो जो चटनी पीस ली थी, अब मम्मी भी कह रही है उसे तड़का लगाना है, तो तड़का लगा रही हूँ मैं, बताती जाएंगी मम्मी, है ना। हाँ बताती रहना आप, ठीक है मम्मी। अभी इसमें नमक नहीं पड़ी है, अभी तेल डाला है मम्मी ने सरसों का कढ़ाई में। साथ में मम्मी पराठे भी बनाती जा रही है गर्मा गर्म। और आज हमारे पापा जी भी आ गए हैं गांव से। पापा हाय, लो लो इसमें जीरा डाल दो थोड़ा बहुत, रुक दो मम्मी तेल हो जाए फिर ना महक आई। आ रही तो हल्का है ना कड़िया, हाँ महक नहीं आएगी। ठीक है, अब डाल रहे हैं हम पहले जीरा। हाँ हल्का से डाल दो, दो चार डाल नहीं बस खुशबू वाले, खुशबू के लिए। और डालेंगे हींग। बस मम्मी अब डाल दो चटनी। हाँ
हम लोग तो बस हाथ लगाते रहते हैं मम्मी के साथ साथ में, बाकी सारा काम मम्मी करती है। मम्मी के हाथ का खाना अच्छा लगता है। देखो अभी भी पराठे वही बना रही हैं गर्मा गर्म। मम्मी बुला लो सबको खाने के लिए, बुला लो मम्मी। आ जाओ सवेरे, आ जाओ वही। हाँ खड़े हो गए, खड़े हो गए, जल्दी जल्दी आ जाओ, जिसे जिसे खाने हैं। देखिए चटनी, अभी ये थोड़ी सी मम्मी अभी ये चटनी थोड़ी वो होगी, बस बन गई है और अब देंगे पापा जी को खाने के लिए, क्योंकि वो आए हैं अभी ऊपर से ठंडी ठंडी में से। चलो मम्मी हो गई है मम्मी, अभी पकेगी, मतलब बहुत अच्छी सेफ है मेरी मम्मी तो सच में। और कढ़ी तो और ज्यादा स्वादिष्ट बनाती है मम्मी, है आप बनाती नहीं हो कढ़ी, कितनी अच्छी बनाती हो। मेरी मम्मी के हाथ की कढ़ी के ना चर्चे दूर दूर तक है, लोग आ जाते हैं जब पता चल जाता है कि कढ़ी बनी हुई है। मेरे हस्बैंड भी मेरे हाथ की कढ़ी कभी पसंद नहीं करते हैं, कभी बनाऊंगी ना तो यही कहते हैं आपको तो आती ही नहीं है, मम्मी से सीख के आया करो। ये जा रहा है पापा के, ठीक है पापा खाना, पापा यही खाओगे, खाओ और बताओ पापा कैसा लग रहा है। ऊपर से अचार ले आओ बेटा, अपना वाला अचार तो ले जाओ, उसमें डिब्बे वाला। हाँ थोड़ा सा ले आना, अब पराठा मत खा लेना, ठीक है? पराठा खाओ, पराठा बाबा के साथ, बाबा के साथ पराठा खाओ। आप पराठा खाते हैं? खाओ। लाइट नहीं आ रही है, बीच वाले में से आ रही है हमको। कैसी बनी है पापा? लगी और ये क्या खा रहे हैं, क्या खा रहे हो बताओ, क्या खा रहे हो तुम? इसमें नमक क्या, नमक खा पापा दोनों में है,